crime is, in any state, in any form, is condemnable. What has happened in Bihar is extremely unfortunate, but I am completely against this myopic, opportunistic politics which dubs any incident of crime as a return to Jungle Raj. It is as if they are waiting to see that in a state of 10 crore people, any act of criminality provides them evidence that there is a return to Jungle Raj. I condemn this opportunistic politics. Under Mr. Nitish Kumar, there will be no compromise on law and order. BJP सत्ता खोने के बाद बिहार में छटपटाट में है. हमने भी इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है. बिहार सरकार ने एसआईटी का गठन किया है. क्राइम के विरुद्ध नीतीश कुमार का कमिटमेंट जग जाहिर है. पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने विशेष अदालत बना करके 50,000 से ज्यादा क्रिमिनल्स को जेल के पीछे, दरवाजे के पीछे रखा, सलाखों के पीछे रखा. इसलिए अभी इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी हो. बिहार में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाएं, ये अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल का परिणाम है. अपराधियों को लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग उसको संरक्षण दे सकते हैं. अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ समाप्त हो गया है. वो अपना राज समझ रहे हैं, उसके कारण घटनाएं बढ़ रही हैं. दूसरी ओर यह भी दिखाई पड़ता है कि सरकार के जो लोग हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो मामले की लीपापोती में ज्यादा लगे रहते हैं. मामले को उद्भेदन में रुचि कम रह गई है. जो उद्भेदन करने वाले पुलिस अधिकारी हैं भी, उनके मनोबल को तोड़ने का भी सरकार प्रयास कर रही है. अभी इंजीनियर्स की हत्या के मामले में ही आप देखिए तो पूरी तरह से अभी सरकार की कार्रवाई उतनी सक्रियता से दिखाई नहीं पड़ रही. और इंजीनियर की हत्या एक बहुत बड़ी घटना है. पूरे बिहार के अंदर निवेश के मामले में धक्का लगेगा सरकार को. रोड सेक्टर में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर बिहार में आए थे, जो सड़कों के निर्माण में इन्वेस्ट कर रहे थे. इस घटना से उनका मनोबल टूट रहा है. अगर ये सरकार घटनाएं नहीं रोकेगी तो विकास के काम में बाधा उत्पन्न होगी.